तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में, में हमसे क्या पूछा गया है कंसिडर दी फॉलोइंग स्पीसीज तो हमें यहाँ पे कुछ आयंस दे रखे हैं हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इनमें क्या कॉमन है और दूसरा हमें यहाँ पे इनका रेडियस देख इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है अरेंज करना है तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे पहले वाले पार्ट की तो इनमें क्या कॉमन है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास आयन्स है इन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे यहाँ पे क्या है सेम है जैसे हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेवन होते हैं एंड इस पे हमारे यहाँ पे क्या है थ्री नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके पास हमारे यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास भी टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एसिडि जो फ्लोरिन होता है इस पे हमारे यहाँ पे कितने होते हो हैं नाइन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अब यहाँ पे क्या है सोडियम है सोडियम के पास इलेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यहाँ पे टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैग्नीशियम का हमारे यहाँ पे ट्वेल्ल होता है टू प्लस होने की वजह से भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एज इज जो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम है इसके पास यहाँ पे कितने होते हैं थर्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड यहाँ पे थ्री पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी हमें यहाँ पे आय रखे सबके पास हमारे यहाँ पे क्या है टेन इलेक्ट्रॉन्स है जबकि हमारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे यहाँ पे क्या है डिफरेंट है तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीस होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्पीसीज होंगे क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स और जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे यहाँ पे क्या है सेम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड वाले पार्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है इनके रेडियस को देख इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जो हमारे यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज होते हैं एंड इनमें जो वेरिएशन होता है उसका मैं यहाँ पे टेबल बना लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आयंस लिख लूंगा इसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लूंगा इसके बाद हम यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लिख लेंगे एंड तीसरे में मैं यहाँ पे इसके रेडियस की बात कर लूंगा एंड रेडियस हम यहाँ पे पी को मीटर में लेंगे तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे आयन है वो हमारे यहाँ पे क्या है एन थ्री नेगेटिव है उसके बाद हमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे टू नेगेटिव रखा है इसके बाद हमें यहाँ पे फ्लोरिन पे नेगेटिव सोडियम पे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम पे टू पॉजिटिव का चार्ज है एंड एल्यूमिनियम पे हमारे यहाँ पे क्या है थ्री पॉजिटिव का चार्ज है और जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज होगा वो यहाँ पे इसके एटोमिक नंबर को देख के हम बता सकते हैं जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन तो है इस पे हमारे यहाँ पे क्या होगा सेवन होगा ऑक्सीजन पे हमारे यहाँ पे क्या होगा प्लस एट होगा फ्लोरिन पे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव नाइन सोडियम पे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इलेवन मैग्नीशियम पे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव का ट्वेल्व एंड एल्युमिनियम पे हमारे यहाँ पे पॉजिटिव का थर्टीन तो जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि सबके पास हमारे यहाँ पे कितने टेन इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज लगेगा उतना ही छोटा उसका यहाँ पे क्या होगा रेडियस होगा तो जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन का रेडियस होगा वो हमारे यहाँ पे कितना वन सेवेंटी वन पे मीटर हो जाएगा ऑक्सीजन का यहाँ पे 140 इसका हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 136 आगे हमारे यहाँ पे 95 उसके बाद हमारे यहाँ पे कितना होगा 72 होगा एंड लास्ट में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा फिफ्टी आ जाएगा तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे जैसे हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो हमारे यहाँ पे रेडियस है वो हमारे यहाँ पे क्या होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है तो हमें यहाँ पे जो रेडियस को अरेंज करना था वो हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो सबसे छोटा हमारे यहाँ पे क्या होगा एल्यूमिनियम जो हमारे यहाँ हाँ पे थ्री पॉजिटिव चार्ज है इससे बड़ा हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम पे टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके आगे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज देन हमारे यहाँ पे फ्लोरिन आ जाएगा इसके बाद हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन एंड लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइट्रोजन आ जाएगा तो इसको हमने यहाँ पे रेडियस के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ